हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनेथ गुरु। आज हम देखेंगे नेफ्रॉन का डायग्राम और आज हम सीखेंगे कि नेफ्रॉन का डायग्राम बनता कैसे है। सभी बच्चों को ये बहुत डायग्राम बहुत टफ लगता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बार बार रिवाइज करा के मैं आपको याद करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन ले लेना है और मेरे साथ डायग्राम बनाने की कोशिश करना है और आपको समझ में भी आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ये नेफ्रॉन का डायग्राम बिल्कुल आपके ट्रिक्स पे हो जाएगा और आप तुरंत किसी को भी आंख बंद करके कोई आपसे पूछेगा तब भी आप आंख बंद करके बता देंगे कि नेफ्रॉन का डायग्राम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते कैसे हैं। ये देखें, सबसे पहले हमें बनाना है नेफ्रॉन के डायग्राम में कप जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले आप। इस कप जैसे स्ट्रक्चर का नाम होता है बोवेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, क्या नाम होता है? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसको मैं रेड से बनाऊंगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टिब्यूल। क्या बोलते हैं? टिब्यूल। और ये थोड़ा मुड़ा हुआ है इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड, CONVULATEDकॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, मतलब थोड़ा मुड़ा है इसलिए टिब्यूल्स बोल रहे हैं। सॉरी, पाइप जैसा इसलिए टिब्यूल्स बोल रहे हैं और मुड़ा है इसलिए क्या बोल रहे हैं? कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बोल रहे हैं इसको? कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बोल रहे हैं? कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पहला क्या है? बोमेंस कैप्सूल। दूसरा क्या है? कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पहला बोमेंस कैप्सूल, दूसरा क्या है? कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर देखेंगे ये जो है हमारा एक यू शेप स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यू शेप स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद फिर टिब्यूल। देखेंगे बोमेंस कैप्सूल, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर उसके बाद फिर से टिब्यूल। इसको भी क्या बोलेंगे? ये भी मुड़ा हुआ है, ट्यूब है, तो इसलिए इसका भी नाम क्या है? कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अच्छा, ये भी कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये भी कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, अब लोगों ने पूछा भाई ये भी टिब्यूल ये भी टिब्यूल पहचानेंगे कैसे? तो कुछ अलग नाम होना चाहिए। देखेंगे ये जो है बोमेंस कैप्सूल के पास में है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं PCT। पी से याद रखिएगा, पास में है इसलिए प्रोक्सिमल, और ट्यूब जैसा है इसलिए टिब्यूल, और मुड़ा हुआ है इसीलिए कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये दूर है तो इसलिए इसके लिए क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यानी कि DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इतना क्लियर है आपको? यहां तक तो कोई डाउट नहीं आएगा? बोमेंस कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं हम लोग? हेनलेज लूप। यू शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? हेनलेज लूप बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? पहला क्या है? बोमेंस कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हेनलेज लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, अब देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको डिसेंडिंग और इसको बोलेंगे असेंडिंग। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हेनलेज लूप बोलिए, लूप ऑफ हेनले, दोनों बात सेम है। ठीक है, दिस इज अ डिसेंडिंग, दिस इज अ असेंडिंग। तो तीन पार्ट मैंने बता दिए, सॉरी चार पार्ट बता दिए, बोमेंस कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और हेनलेज लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इतना क्लियर है? इतना समझ आता है? अब देखिए आपको याद क्या करना है, सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल को याद कर लेना है। सेकेंडरी क्या चीज है इसमें?
प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, मैंने बताया कि ट्यूब जैसा है इसलिए ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, मुड़ा हुआ है इसलिए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, और पास में है इसलिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दूर होगा तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और नीचे यू शेप स्ट्रक्चर इसको क्या बोल रहे हैं, हैनलेस लूप, क्या बोल रहे हैं, हैनलेस लूप या लूप ऑफ हैनले, ये नीचे जा रहा है इसलिए डिसेंडिंग और ये ऊपर आ रहा है तो असेंडिंग, इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कहां ओपन होता है, ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है एक ट्यूब में, उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम है वासा रेक्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा उसका नाम है। देखेंगे फिर से बोमेंस कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैनलेस लूप या लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वासा रेक्टा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा इसमें, इसमें क्या होता है कि किडनी के पास ब्लड आता है, ठीक है, तो ब्लड आपको पता है आर्टरी लेके आता है, ठीक है, जब आर्टरी जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। तो देखिए यहां पे जब ब्लड लेके आएगा उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स, क्या बोलेंगे, एफरेंट, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल, ए डबल एफ ई आर ई एन टी, एफरेंट और आर्ट्रियोल्स, ठीक है, आर्टरी का छोटा हिस्सा है यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब यहीं से क्या होगा, एक जब ब्लड छन जाएगा यहां से, जब मतलब ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर होने के बाद कोई ब्लड को वापस ले जाने वाला भी तो होना चाहिए, तो वापस जो ले जाएगा उसको हम बोलेंगे, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा उसको हम बोलेंगे, सॉरी, उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल, क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। फिर उसके बाद यही जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इसमें थोड़ा सा चक्कर लगाएगा हमारे लूप्स ऑफ हैनले पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, यह है समझ में, इतना क्लियर है। अच्छा एक चीज करेक्ट कीजिएगा आप लोग, ये जो वासा रेक्टा, इसको वासा रेक्टा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा देखिएगा, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, उसको करेक्ट कीजिएगा। बोमेंस कैप्सूल है, फिर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, मैंने बताया प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास क्या है, वो ट्यूब जैसा है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका नाम क्या है, ट्यूब्यूल, और मुड़ा हुआ है तो कॉन्वोल्यूटेड, और बोमेंस कैप्सूल के पास में है इसलिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो दूर है उसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और बीच में आता है लूप ऑफ हैनले या हैनलेस लूप। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको जो ब्लड लेके आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल, जो ब्लड लेके जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल पूरे इस पे चक्कर मारेगा एक हमारे लूप्स ऑफ हैनले पे, जब ये चक्कर मारेगा तभी हम इसको हम क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा, एक्चुअली वासा रेक्टा ये है, वो याद रखे, वो क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड किसमें ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट सारा यूरिन कलेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट न्यूरो नेफ्रॉन से, और फिर दे देता किसको, किडनी को दे देता, किडनी दे देता यूरेटर, फिर यूरेथ्रा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद यूरेथ्रा, फिर यूरिन पास आउट हो जाता है। तो यह था ओवरव्यू ऑफ या डायग्राम जिसको बोलेंगे हम लोग किसका, नेफ्रॉन का, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो ये था हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, तो चलिए, थैंक यू।